नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राम मंदिर की। जी हाँ, राम मंदिर अभी कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जी ने कहा कि मंदिर कब बनेगा। तो जैसे ही राम मंदिर की याद आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकल गए मंदिर की तरफ। अब निकले वो कौन से मंदिर की तरफ? वो निकले शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तरफ। आरएसएस और बीजेपी को क्यों याद आई फिर दोबारा 2019 के अंदर फिर राम मंदिर की? पूर्ण रूप से आपकी सरकार पूरे देश के अंदर है, फिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप राम मंदिर? जी हाँ, फिर 2019 के इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तब तब नेताओं को याद आती है राम की। और राम ही एक ऐसे हैं जो सबकी नैया पार लगाते हैं, तो वही शिरडी के साईं बाबा के दरबार पहुंचे। क्योंकि दरबार वो इसलिए पहुंचे क्योंकि शिरडी साईं बाबा की समाधि दिवस को 100 वर्ष पूरे हो गए थे। शिरडी का साईं मंदिर एक बहाना था, असल में महाराष्ट्र की धरती पे अपने लोगों को अपना रूप दिखाना था, तो वही दिखाने पहुंचे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर सबका साथ सबका विकास फिर दोबारा बोला और फिर दोबारा से राम मंदिर की ललकार लगाई। महाराष्ट्र के लोगों को एकीकरण करने की कोशिश की गई। वहीं पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने गरीबों को घर की चाबी भी दी और ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल पे था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे वहाँ पर। शिरडी जाना इसलिए ज़रूरी भी था क्योंकि आज हिंदुओं को सबसे ज़्यादा देवता पूजे जाने वाले शिरडी के साईं बाबा ही हैं, जो हर एक धर्म के लोग उनको मानते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात पे नज़र भी रहती है कि हमारा नेता कहाँ जा रहा है, तो लोग बाग उसको भी देखते हैं। हो सकता है ये आस्था का विषय हो। आपने कहा था 100 दिन के अंदर कालाधन वापस लाएंगे। कालाधन वापस आया या नहीं, ये जनता पूछ रही है आपसे। स्कूलों कॉलेजों का क्या हुआ? दागी नेताओं को आपने पार्टियों से निकालना था, ये कितना हुआ? ये विषयों को सबको भूल जाने के बाद आप फिर दोबारा बात कर रहे हैं राम मंदिर की। तो राम ही नहीं, शिरडी के साईं बाबा ही सही जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये था, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे सभी नेताओं को भगवानों की याद आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बात जनता की आवाज़ है। जो लोग हमसे बोलते हैं आप इनको पूछें, और हमने यही बात आपके सामने रखी है और इस बात को देश दुनिया सब जगह तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।